आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कटारे सिस्टर्स में। आज इस वीडियो में हम सलवार मोहरी डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। सलवार मोहरी बनाने के लिए मैंने ये बुकरम यानी कैनवास ली है, जिसकी चौड़ाई 3 इंचज़ है और लेंथ मोहरी की चौड़ाई से हमें 4 इंचज़ एक्स्ट्रा लेनी है। अब हम बुकरम को सेंटर से मोड़ेंगे। एक इंच ऊपर की तरफ हमें निशान लगाना है। इस तरह से हमें निशान तक गोलाई करनी है और इसके बाद इसे कट करना है। ये हमारा कट सेंटर में आएगा। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और उसके ऊपर बुकरम को रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को ऊपर की तरफ मोड़ेंगे और स्टिच करेंगे। मैंने काफ़ी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर की तरफ मोड़ा है ताकि बुकरम अच्छे से कवर हो जाए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। यहाँ से भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। उसके बाद बुकरम के ऊपर बिल्कुल किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। जब हम पोटली लगाएंगे तो इसी सिलाई के ऊपर ही हमें दोबारा सिलाई लगानी है। देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगाई है। अब ये दूसरी तरफ दिखाई देगी जहाँ पे हम निशान लगा देते हैं, इसी के ऊपर हम पोटलियाँ लगाएंगे। सेंटर से एक तरफ हम 1-1 इंच का निशान लगाएंगे जहाँ पे हमें पोटलियाँ लगानी है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही हमें निशान लगाने हैं। इन्हीं निशानों के ऊपर हम पोटलियाँ लगाएंगे। अब हमें पोटली बनानी है, जिसके लिए फैब्रिक पीस कट करना है और साथ ही हमें थर्माकोल बोल लेनी है। थर्माकोल बोल को हमें पीस में अच्छे से टाई करना है। थ्रेड को हम अच्छे से लपेटेंगे। ये हमारी पोटली बन गई है। ऐसे ही हम और भी पोटलियाँ बना लेंगे। जहाँ भी हमने निशान लगाया था अभी वहाँ पे हमें पोटलियाँ लगानी है। जैसे हमने पोटली को थ्रेड से टाई किया हुआ है उसको बिल्कुल हमें निशान के ऊपर ही स्टिच करना है। हाफ पे हमने पोटलियाँ लगा ली है, बाकी हाफ पे भी हम ऐसे ही पोटलियाँ लगा लेंगे। देखिए मैंने सभी पोटलियाँ लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करना है। ये हमारी सलवार की बॉटम है। सलवार की बॉटम पर हम सेंटर में निशान लगाएंगे और ध्यान रखना है ये हमारी जो साइड है वो नीचे की तरफ आएगी और ये हमारी ऊपर की तरफ होगी, राइट साइड। अब यहाँ हमें सिलाई लगानी है और ये सिलाई हम बुकरम को दबाते हुए नहीं लगाएंगे, बिल्कुल बुकरम के किनारे पर ही हमें ये सिलाई लगानी है। देखिए हमारी पोटलियाँ कुछ इस तरह से आएंगी और ये पोटलियाँ हमने अंडरग्राउंड लगाई हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और उसके बाद हमें कट लगानी है।
पोछे को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और अब हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। अब हमें 1 फुट का गैप रखते हुए एक और सिलाई लगानी है। इस गैप के बीच हमें एक और सिलाई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक और सिलाई लगाएंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से पोछे पे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इस सिलाई के ऊपर हम लहरिया बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमें ये लहरियाँ बनानी हैं। अब रॉन्ग साइड हम बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमें 1 फुट का गैप रखते हुए एक और सिलाई लगानी है। इस गैप के बीच हमें लहरियाँ बनानी हैं। यहाँ भी हमें 1 फुट का गैप रखते हुए सिलाई लगानी है। इसके नीचे हमें दूसरी तरफ से अब डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। इस तरह से लहरिया के साथ साथ हमें लहरिया बनानी है और सेंटर में हमें इस तरह से दूसरी तरफ सिलाई लेके जानी है। यहाँ हमें फिर से लहरिया बनानी है। अब यहाँ से हम पूरे पोछे को फिल करेंगे और नोक बनाएंगे नीचे की तरफ, और ऊपर से हम लगभग 1 इंच नोक को चौड़ा रखेंगे। दूसरी नोक बनाते टाइम इसी के सेंटर से हमें सिलाई लगानी है। बाकी डिज़ाइन हम सेम तरीके से ही बनाएंगे, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। ऐसे ही हमें सभी नोक बनानी है। इसी तरह से डिज़ाइन बनाते हुए हमें हाफ मोरी को फिल करना है। यहाँ तक हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए हमने हाफ मोरी को पूरा फिल कर लिया है। यहाँ से हम वापस सिलाई लगाते हुए बाहर की तरफ निकालेंगे सिलाई को। अभी आप देख सकते हैं डिज़ाइन हमने कैसे बनाया है। यहाँ भी हमें 1 फुट का गैप रखते हुए सिलाई लगानी है। इसके नीचे हमें दूसरी तरफ से अब डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। इस तरह से लहरिया के साथ साथ हमें लहरिया बनानी है और सेंटर में हमें इस तरह से दूसरी तरफ सिलाई लेके जानी है। यहाँ हमें फिर से लहरिया बनानी है। अब यहाँ से हम पूरे पोछे को फिल करेंगे और नोक बनाएंगे नीचे की तरफ, और ऊपर से हम लगभग 1 इंच नोक को चौड़ा रखेंगे। दूसरी नोक बनाते टाइम इसी के सेंटर से हमें सिलाई लगानी है। बाकी डिज़ाइन हम सेम तरीके से ही बनाएंगे, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। ऐसे ही हमें सभी नोक बनानी है।